ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਵੀ हेलो हिप हॉप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिएक्शन वीडियो करने वाला हूँ 47 के गाने का, जिसका नाम है पागल है क्या, जिसकी तो सुन रहे हो सुनने के लायक है क्या। तो यार ये गाना था 47 का पहला जो मैंने सुना था। भाई बाइक पे था, ऑटोमेटिक गाना यूट्यूब पे प्ले हो गया रिकमेंड करके। और भाई जैसे ही मैंने गाना सुना, जैसे ही गाना खत्म हुआ, मैं तुरंत बाइक से उतरा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया और उसके दूसरे गाने भी प्ले करने स्टार्ट किया। और ये गाना भाई साहब बहुत खतरनाक गाना है। 25 लाइन भाई बहुत खतरनाक होती है, राइमिंग स्किल बहुत खतरनाक है। 47 भाई साहब, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आने वाले 2 या 3 साल के अंदर भाई जितने भी बड़े बड़े रैपर्स हैं ना, उनको टक्कर देने वाले ये बंदा। और यार मल्टी टैलेंटेड है भाई, लिरिक्स खुद ही लिखता है, मिक्स मास्टरिंग खुद ही करता है, और भाई साहब रैप बहुत खतरनाक होता है भाई। प्रेजेंट करने का तरीका बंदे का बहुत खतरनाक है। तो यार ये गाना मैंने पहला सुना था, उसके बाद मैंने सोच लिया था भाई अब कोई सा भी गाना इस बंदे का मिस नहीं करना है। तो यार गाना बहुत खतरनाक है, व्यूज़ भी अच्छे खासे आ गए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यार जो रैपर्स है आजकल फुल ऑन सपोर्ट मिल रहा है, और पब्लिक जो है भाई अंडरग्राउंड रैपर्स को ज़्यादा सुनना पसंद कर रही है, क्योंकि आजकल वो लोग खतरनाक तरीके से मचा रहे हैं। तो फाइनली यार गाना सुनते हैं कैसा है, उसके बाद फिर बात करते हैं। गाना ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ, गाने के लिरिक्स भी याद है, गाना बहुत तोड़ गया था। और मैं जब रिसेंट मैंने रिएक्शन वीडियो किया था गुदे का 47 का है, तो आप वो भी आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो उसका रिएक्शन वीडियो किया तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, और काफ़ी जो 47 के फैंस हैं उन्होंने मुझे बोला कि भाई और भी गानों की रिएक्शन वीडियो करो 47 के। तो स्पेशली जो 47 के फैंस हैं, आपके लिए रिएक्शन वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी भी कह रहा हूँ कि भाई नीचे कमेंट जरूर करना 47 के किसी और या किसी और भी रैपर के रिएक्शन वीडियो आपको चाहिए। तो यार रिएक्शन वीडियो आपको जरूर मिलेंगे, थोड़ा लेट होगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो यार बस यही बोलना चाहता था। फिलहाल अभी गाना सुनते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं, साथ साथ में मस्ती करते हैं, उसके बाद बात करते हैं गाना कितना खतरनाक था। तो लेट्स गो। भाई वीडियो प्रेजेंट करने का तरीका देखना भाई 47 का, खतरनाक। साथ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, दिल मेरा बोला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है कोई नहीं, करेगा मेहनत जो थोड़ी सी आज, कल को करेगा तू चौड़े में राज, जिसने कभी दिया नहीं साथ, मांगेगा साथ, दूंगा मैं लोड़े से 5। पागल है क्या, सब गया देख, मित्रों में कितनों ने फोन करा पिक, मेरे ही पैसे का मलते थे मलाना, आज मुझे कहते हैं कलाना कलाना, वाह क्या बदला है रूप, इच्छाधारी हो या पीते हो दूध, कहते थे पहले तू देखी हो मांग की, तेरे लिए दे देंगे जान, गधे की गांड पकेंगे गाली, ये पीछे से नीचे से खींचेंगे टांग, अब आंखें नीचे मारे नीचे लेके जा रहे लीची के सीजन में आम, मेरे 8वीं से खास 3 भी नहीं, तेरे हाथ की घास पीनी नहीं, सांप सीढ़ी का सीन ही नहीं, पहनू हाफ स्लीव आस्तीन ही नहीं, मैं टेंशन लेने लगा हर पल, फिर टेंशन लेने लगी हर पल, मेरी हालत पे हंसे मेरे दोस्त, अभी इनकी सोच से भी छोटा मेरा सर्कल, खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उमराओ, इनसे खुद को बचा के नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहां का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा है तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है जिसकी तू सुन रहा है वो सुनने के लायक है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, नहीं पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा है तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है जिसकी तू सुन रहा है वो सुनने के लायक है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, नहीं नहीं पागल, भाई तेरा देता नहीं फक, भाई तेरा देता नहीं फक, पहले जो करते थे शक, अभी वो करते हैं शक, भाई तेरा करता है चिल, जाने दे मैटर जो कल के थे, माँ जुदा गई दुनियादारी, भाई तेरा लाइफ ले रहा हल्के में, अभी अकल में वकर और कुछ नहीं, कभी कोई तुझसे होगा खुश नहीं, चाटने की बातें तू करना नहीं, भाई तेरा सबको चिल्लाता है पूछ नहीं, दो घूट पीते ही बन जाते पायलट, बड़ी बड़ी फेंकेंगे बोलेंगे स्टाइल है, इनकी नहीं सुनता मैं क्योंकि इनका तो काम है भरना बक चौधरी की फाइल है। भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी है, बात क्यों करेगा मेरे जैसे छोटे लोगों से, ये बड़े लोग छोटे लोग करने वालों से तुम रहो दूर, इनको बोलो इतना छोटा है तो पोगो देख, घर पे जाके खो खो खेल, कभी भी खोलेंगे मुंह करेंगे गू, आती है ब्रू इनके मुंह में डालो ओडोनिल, दो दो दिन अब कितने सबूत तुझे लाके दूं मैं, बाकी फूके 100 में से 9 बोले सच बोले बाकी झूठ, देख पहले कहां पे हूं पैर मेरे आके छू, आजा तू मैं तुझे खा के दूं तेरी मां की, पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा है तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है जिसकी तू सुन रहा है वो सुनने के लायक है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा है तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है जिसकी तू सुन रहा है वो सुनने के लायक है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या। ये देख रहा है यार भाई
आपका शूट करना है बस। मैं सबसे बात क्यों रहा था फिर? मैं हीरो लगता तेरा भाई। पागल है क्या? जिसकी तो सुन रहा है सुनने के लायक है क्या भाई साहब? ये था भाई 47 और ये गाना था पहला गाना जो मैंने 47 का सुना था, और उसके बाद भाई साहब कंटिन्यू सारे के सारे गाने सुने हैं, और जो पिछले गाने 47 के वो गाने भी सुने हैं, और गाने सारे के सारे बहुत तोड़ हुए हैं यार। राइमिंग इसके लिए इस बंदी की मुझे बहुत खतरनाक लगती है, और बार्स भी बहुत खतरनाक होते हैं। आखिरी का जो वर्स था ना, जो कहते हैं दुगा मैं लोड़े से पांच बार, आखिरी वर्स पहले वर्स से बहुत खतरनाक था। दोनों वर्स बहुत खतरनाक थे, लेकिन जो आखिरी वर्स था उसमें बहुत ज़्यादा दम लग रहा था। और हमेशा भाई मैं जब भी 47 का गाना सुनता हूँ ना, ऑटोमेटिक भाई मेरे बॉडी के अंदर आ जाता है जोश। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, बहुत लोग ये भी बोलेंगे भाई ओवर एक्टिंग कर रहा, भाई ओवर एक्टिंग नहीं है, ये है जोश। जब हम हिप हॉप को प्यार करते हो, जब हम ऐसे कोई खतरनाक गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर आता है जोश। तो ये था यार गाना, ऑलरेडी मैंने सुन चुका था, गाना बहुत खतरनाक है, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी बताऊं। और काफी लोगों ने मुझे ये बोला था भाई 47 के और भी गाने पे रिएक्शन वीडियो करो, तो भाई साहब ये था मेरा दूसरा गाना 47 पे। तो कुछ और रिक्वायरमेंट है आप लोगों की तो नीचे मुझे कमेंट करना। और यार गाने की क्या बात करूँ यार, गाना भाई साहब म्यूजिक बहुत खतरनाक होता है, जो प्रेजेंस होता है वीडियो का प्रेजेंस वो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है 47। कोई सा भी गाना उठा लो भाई साहब, वीडियो मतलब लो बजट के अंदर बंदा भाई साहब इतना अच्छा प्रेजेंट करता है वीडियो को, तो भाई साहब उसके लिए हैट्स ऑफ है। और भाई साहब मिक्स मास्टरिंग एडिटिंग वगैरह खुद ही करता है, तो यार उसके लिए भी हैट्स ऑफ है। और म्यूजिक बहुत खतरनाक म्यूजिक था यार, मजा आ गया म्यूजिक सुन के। और उससे ज्यादा खतरनाक था भाई साहब 47 का रैप। तो यार जो 47 को प्यार करते हैं भाई साहब पूरे का पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि भाई बंदा यार बड़े बड़े जो रैपर्स हैं आज भाई साहब 47 को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके अंदर किसी ना किसी के अंदर टैलेंट जब होता है, जब भी कोई ना कोई प्रमोट करता है, तो भाई साहब 47 को 47 के अंदर लोगों को टैलेंट दिखाया, जब भी आज वो लोग उसके गानों को लोग अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं कि भाई ये गाना सुनो बहुत खतरनाक है। तो यार बंदा हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उसको बस एक रास्ता दिखाना चाहिए, और आप 47 को भाई साहब रास्ता दिख गया है। तो भाई साहब अभी भी मैं कह रहा हूँ 2-3 साल के अंदर भाई साहब बंदा भाई साहब बहुत खतरनाक होने वाला है, और भाई साहब सीन पूरा पूरा चेंज करने वाला है। तो यार मैं तो ये कहूँगा भाई 47 को पूरा पूरा सपोर्ट करो, और बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिस पर लोग रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते, तो मैं तो ये कहूँगा भाई साहब अगर कोई रिएक्शन चैनल वाला मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो भाई साहब ऐसे लोगों पर भी रिएक्शन वीडियो बनाने स्टार्ट करो, क्योंकि भाई साहब ये बंदे बहुत टैलेंटेड है, और हम जब सुनते हैं तो भाई साहब ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर जोश आ जाता है, खासकर मेरे। तो बस यार बस यही बात करनी थी आपसे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई साहब नीचे अपनी फरमाइश जरूर करना किस गाने पर रिएक्शन वीडियो बनाना है नेक्स्ट। तो जब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और भाई साहब लव यू।